अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, वेलकम बैक टू वीडियो। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा सैमसंग गैलेक्सी A53 के बारे में। अब इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग वीडियो और इस स्मार्टफोन कुछ पिक्चर्स जो हैं वो लीक हो चुकी हैं और इसको YouTube में अपलोड कर दिए लोगों ने। तो आज इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा आपको इस स्मार्टफोन की लीक्ड पिक्चर्स एंड इस स्मार्टफोन की जो अनबॉक्सिंग वीडियो वो तो दिखा नहीं सकता बिकॉज ऑफ सम इशूज। लेकिन लोग जो है भाई सैमसंग की ए सीरीज के पीछे ऐसे पागल होते हैं जैसे ये फ्री की बिक्री है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो बहरहाल छोड़ो, आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको स्मार्टफोन स्पेसिफिकेशन, प्राइस, एक्सपेक्टेड लॉन्च इन पाकिस्तानी मार्केट, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन वीडियो में अगर बनने से पहले चैनल में पहली बार सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन बजाकर ऑल पे क्लिक कर दो ताकि इन फ्यूचर मेरी वीडियो से नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे मैं अपलोड करता हूँ। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात को स्टार्ट करेंगे हम स्मार्टफोन के डिस्प्ले को लेकर। 6.52 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है भाई, घर का डिस्प्ले है तो किसी किस्म का आपको यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जो आपको फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन देखने को मिलते हैं और यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट और कॉर्निंग मिलेगा। 6GB प्रोटेक्शन फ्रंट और बैक पे देखने को मिल जाएगी। फ्रंट पे आपको मिडल के अंदर 500 मिलेगा और 500 के अंदर आपको 32MP की सेल्फी देखने को मिल जाएगी। डिस्प्ले के मामले में भाई घर का डिस्प्ले है, सैमसंग के डिस्प्ले में आता है, सैमसंग ही भाई एप्पल को डिस्प्ले फराम करता है, तो भाई घर की जो चीज़ होती है ना उसकी अलग ही बात होती है। तो इस स्मार्टफोन में आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, स्पेशली इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले इज टोटली वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले इन दिस प्राइस रेंज। इस स्मार्टफोन में आपको IP67 की रेटिंग भी देखने को मिल जाएगी, यानी कि भाई इस स्मार्टफोन को पानी में फेंको, बाल्टियों में फेंको, स्विमिंग पूल में फेंको, इस स्मार्टफोन में कुछ भी नहीं होने वाला। चलो भाई कैमरे की बात करते हैं। कैमरास की बात कर लीजिए, बैक पे आपको 4 कैमरे देखने को मिलते हैं। तो यार बैक का जो डिज़ाइन है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा सीरियसली पसंद आया है, स्पेशली इसका जो पीच कलर है, स्किनिश टाइप कलर है, वो काफ़ी मुझे पसंद आया है, उसने काफ़ी अट्रैक्ट किया है। और यार उसकी जो मतलब कि कैमरा की हाउसिंग है वो आपको सेम एज इट इज़ जो सैमसंग गैलेक्सी A52 है वैसे ही देखने को मिलती है, लेकिन कैमरा हमको थोड़ा सा बाहर निकाल दिया गया है। अगर कैमरास की बात कर लीजिए, बैक पे 4 कैमरे हैं, प्राइमरी लेंस जो है ना बैक पे वो 64MP का है, उसके बाद 12MP का एक अल्ट्रावाइड सेंसर है, 5 मैक्रो 5 डेप्थ सेंसर। फ्रंट पर आपको मैंने बताया कि 32MP की सेल्फी देखने को मिल जाएगी। मेमोरी की बात कर लीजिए तो 8GB 128GB वाला जो आपको वेरिएंट है पाकिस्तान की मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो अगर बात कर लीजिए इस स्मार्टफोन की यहाँ पर परफॉर्मेंस को लेकर, चिपसेट को लेकर, तो यार देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक्सीनोस का 1280 का चिपसेट, जो कि भाई ये चिपसेट है एक्सीनोस के वो सैमसंग में आता है। तो परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी, मतलब कि अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी, बाकी आने हुए चीज़ें देखेंगे। अगर बैटरी की बात कर लीजिए तो 4500mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, लेकिन भाई बॉक्स में आपको चार्जर देखने को नहीं मिलेगा। अब यार आगे जाके ऐसा होना है कि यहाँ पर इन्होंने खाली फ़ोन ही दिया करना है, डिब्बा भी इन्होंने निकाल देना है, ठीक है सीधी सी बात है ना, शॉपर में कहना कि भाई फ़ोन ले जाओ तो बस आपके पैसे हो गए, जाओ भाई आपको हमने कुछ नहीं देना, ना चार्जर देना, ना एंट्री देनी है, ना केबल देनी है, ना हमने आपको कोई पाउच देना है, ना हमने आपको कोई डब्बा शब्बा देना है, बस आपको शॉपर में फ़ोन डाल के देना है कि भाई ये आपका फ़ोन है तो ले जाओ, बस छुट्टी करो। यार देखो फोन जो है काफ़ी एक अच्छा स्मार्टफोन है। अगर प्राइस की बात कर लीजिए तो 70-71 हज़ार का स्मार्टफोन प्राइस बन रही है पाकिस्तान की मार्केट में, अगर डॉलर की प्राइस को कन्वर्ट कर लिया जाए ठीक हो गया, लेकिन ये 70-71 हज़ार में नहीं आने वाला, ये स्मार्टफोन है 80,000 से ऊपर जाएगा, क्योंकि इसकी जो ऊपर जो है आपको हैवी टैक्सेशन देखने को मिलेगी। अगर स्मार्टफोन मेड इन पाकिस्तान होता तो फिर देख लेंगे, लेकिन ये स्मार्टफोन अगर इम्पोर्ट होता है पाकिस्तान के अंदर तो भाई काफ़ी ऊपर प्राइस निकलने वाली है, 80,000 से ऊपर ही जाने वाली है, ठीक है। लेकिन अगर आपने फ़ोन लेना है तो भाई 80,000 का बजट कम से कम रखना ही है, ठीक हो गया। लॉन्च की बात कर लीजिए तो मार्च के महीने में ये स्मार्टफोन आ सकता है, लेकिन अगर ना भी आता तो भाई एप्पल के फर्स्ट 2 वीक्स में तो आ ही जाएगा पाकिस्तान के मार्केट में, ठीक हो गया। अगर तो आपने भाई इस स्मार्टफोन को खरीदना है तो भाई 80,000 का बजट रखना, ठीक हो गया। तो अगर तो आपको कुछ भी पूछना है स्मार्टफोन के बारे में, किसी और स्मार्टफोन के बारे में पूछना है, कोई आपकी डिमांड है वीडियो की, सब कुछ कमेंट से बता दो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़। कुछ भी पूछना है कमेंट्स में पूछ दो भाई, कमेंट्स खुला हुआ है।